प्रश्न किया माता पार्वती ने कि दया करके ये बताओ भगवान, हे प्रभु, कि भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान किस जगह पर रहते हैं। तो जवाब दिया है भगवान ने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए भगवाना, प्रेम ते प्रगट होए भगवाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये भगवाना, राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुरी और चोर पर बिना प्रेम मेरी जे नहीं, वो तुलसी नंद किशोर, तुलसी नंद किशोर, बिना प्रेम मिलते नहीं, कभी भगवान किसी को नहीं मिलते बिना प्रेम, बिना प्रेम रीजे नहीं वो तुलसी नंद किशोर। धन से भगवान रीजते तो दुर्योधन के घर कोई कमी नहीं थी धन की, लेकिन वहां मिष्ठान त्याग दिया कन्हैया ने और विदुर जी की कुटिया में जाकर के भगवान ने छिलकों का भोग लगा लिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हो ये भगवाना, प्रेम ते प्रगट हो ये भगवाना, ओ भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भगवान की भक्ति के बिना इंसान का जीवन कैसे सुना है, सभी ध्यान दे। कहा है बाबा गोसाई जी ने, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, सुख गाड़ी बंगले मोटर कार जमीन जायदाद सब कुछ है, परंतु कहा बाबा गोसाई जी ने कि भगतहीन गुण, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे भोजन बनाया माता बहनों ने और उसमें नमक अगर नहीं है तो नमक के बिना जैसे भोजन अधूरा है, वैसे भगवान के नाम के बिना भी बाप रे इंसान तेरा जीवन सुना बताया गया है, तेरा जीवन बेकार है भगवान के नाम के बिना। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हैं राजन, जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा, भगवान आए उस रूप में, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको उसी के अनुसार उसको फल देते हैं। हमारा सच्चा भाव है, हमारा मन निर्मल है, हमारे मन में अगर परमात्मा के प्रति प्रेम अगर है तो हमारे मन में भगवान है, क्योंकि भगवान ने तुलसीदास जी ने रामायण जी में लिखा है स्पष्ट शब्दों में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये भगवाना, जहां प्रेम होगा वहां भगवान है। चाहे गरीब की कुटिया है, चाहे निर्धन है वो, चाहे जंगलों में रह रहा है वो, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास प्रेम अगर है तो वहां भगवान जाएंगे। और बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है और वहां प्रेम अगर नहीं है तो वहां भगवान रहने वाले नहीं है। ना तीरथ में ना मूरत में, भगवान कहां रहते हैं, ना तीरथ में ना मूरत में, ना में व्रत उपास में, मुझको प्रेम से ढूंढ ले बंदे, तुम्हें हर श्वास की श्वास में, मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो हर श्वास की श्वास में, मैं तो तेरे पास में। नरी झूगान गप्पों से,
नारी जूता ने टप्पो से रिझाया था मुझे भिलनी के झूठे चार बेरों ने और झपट गठड़ी सुदामा की खड़ा तांदुल चवाऊ में। जहां प्रेम होगा मैं वहां मिलूंगा मैं। सबरी के पास देखिए क्या था, ना तो कोई मंत्र जानती थी ना कोई यज्ञ अनुष्ठान जानती थी, लेकिन सिर्फ इतना जानती थी कि हे मेरे राम हे मेरे राघवेंद्र सरकार मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तुम्हारा भजन करती हूँ। तो भगवान पहुंचे और जाकर को उद्धार कर दिया उसको। जो भागवत कथा आप हम श्रवण कर रहे हैं, इस भागवत कथा को लेने के लिए स्वर्ग के राजा इंद्र ने राजा परीक्षित से कहा, राजा आप ये कथा के बदले में अमृत ले लो और ये भागवत कथा हमको दे दो। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव जरा आप मुझको ये बताओ कि दोनों अमृत में कौन कौन सा गुण है, विशेषता तो बताओ दोनों अमृत में कौन कौन सी विशेषता है, मुझको जरा दया करके बताओ। तो कहा राजन स्वर्ग का अमृत अगर तुमने पिया तो तुम्हारी नाशवान देही तुम्हारा शरीर अमर हो जाएगा, देवता बन जाओगे। और कथा रूपी अमृत अगर तुमने पिया राजा तो तुम्हारी आत्मा अमर हो जाएगी, बताओ तुम कौन सा अमृत पीना चाहते हो। राजा परीक्षित ने जैसी भागवत जी के दर्शन किए मन में निस्वार्थ भाव जाग जाता है। राजा परीक्षित ने मन में सोचा अगर ये स्वर्ग के अमृत के बदले में मैंने भागवत कथा इंद्र को दे दी तो ये भागवत कथा धरती से स्वर्ग में चली जाएगी और ये स्वर्ग का अमृत पीने से मात्र मैं अकेला आज सिर्फ अकेला परीक्षित अमर बनूंगा मैं, और आने वाले कलयुग में जब लोग भटकने लगेंगे तो ये भागवत कथा सुनकर के मुझ जैसे ना जाने लाखों करोड़ों परीक्षित अमर बन जाएंगे। इसलिए आपके लिए हमारे लिए भागवत कथा के सामने स्वर्ग के अमृत को भी ठोकर मार दी है राजा परीक्षित ने, ठुकरा दिया है अमृत को भी। ये वो कथा रूपी अमृत का पान कर रहे हैं आप हम सब कि जिस कथा रूपी अमृत का पान करके हमारी नाशवान देही का उद्धार तो होता ही है लेकिन हमारी आत्मा भी परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। बंधुओं